इस हैंडल और इसके अंदर क्या फर्क है, ये बात एक समझने वाली है। आप अगर समझ सकते हैं तो प्लीज उसको समझना। इसकी जो एयर आती है वो डायरेक्ट एयर आती है, सीधी मतलब गोली, जैसे बंदूक से गोली निकलती है और सीधी वो लग जाती है जाके। इसकी जो एयर होती है इस टाइप की एयर होती है, और इसकी जो एयर है इसके अंदर एक जाली देख रहे होंगे, इसकी एयर आती। तो चलिए मैं दोनों को उठाता हूं, और दोनों को एक साथ उठाने के बाद कौन सी हमारी 200 डिग्री पे पहले चली जाएगी वो आप देख लेना। 1, 2, 3। तो फाइनली गाइस मैं आपको अंदर का जो मटेरियल इसके अंदर लगाया हुआ है, मदरबोर्ड लगाया हुआ है, पंप लगाया हुआ है, मैं पहले आपको वो नोटिस कराता हूँ। ये जो हमारा पंप है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं छोटा सा पंप जो हमारी पहले वाली 861 DW में आता था, अगर आप 200 वोल्टेज पे इसको चला रहे हैं तो भी ये प्रॉपर वही मतलब एयर और हीट रखेगी जो कि हमारा होना चाहिए। और अगर इसको आप 200 वोल्ट पे चला रहे हैं तो इसके अंदर हीटिंग भी और एयर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि ये ट्रांसफार्मर से चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर, न्यू गैजेट डिग्री में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास आज फिर दो बॉक्स रखे हुए हैं। अभी तक आपने मार्केट के अंदर या कहीं पर भी या किसी की शॉप के अंदर आपने क्विक की SMD देखी होगी, 861 DW जो कि ये वाली SMD होती है। ये मॉडल मेरे पास है, मैं इसको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। और एक जो न्यू मॉडल आया है, क्योंकि मेरा काम होता है आपको सबसे पहले जानकारी देना है कि मार्केट के अंदर जो भी नई चीज़ आ रही है वो मैं आपको 100% कोशिश करूँ जल्द से जल्द दिखाने के लिए। तो ये जो मार्केट में एक नया मॉडल आया है, ये भी सेम क्विक का मॉडल आया है, दिखने में वैसी होती है। अंदर क्या क्या फीचर इसमें अलग होते हैं मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना। तो ये जो हमारा नया मॉडल है, जैसे कि मैं देख लेता हूँ इसको, ये जो हमारा नया मॉडल है ये क्विक का मॉडल है। इसका मॉडल नंबर है 861, इसका आता था 881D करके, इसका मॉडल आया, नया मॉडल आया है मार्केट के अंदर 881D करके एक मॉडल आया है जो कि ये। अब आप सोच रहे हैं कि दोनों के प्राइस में क्या फर्क है, दोनों के प्राइस में थोड़ा सा फर्क है। करंट प्राइस क्या रहने वाला है, नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको करंट प्राइस दोनों का मिल जाएगा कि क्या आ रहा है। अगर मैं इसको सपोज कह देता हूँ कि आज ये 15,000 रुपए की मशीन है, कल को 14,000 रुपए की होगी, तो आपको 15,000 रुपए की मिलेगी क्योंकि मैंने तो 15,000 रुपए बोल दिया। जो भी करंट प्राइस होगा तो वो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना क्या इसका करंट प्राइस है। चलिए इनको दोनों को जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, इनके अंदर क्या क्या फीचर है, क्या क्या चीजें इसमें से निकलती हैं, क्या वारंटी और क्या गारंटी रहने वाली है, मैं वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो जो मेरे भाई चैनल पर नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन बटन है वो भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। तो टाइम ना खराब करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे जो लेफ्ट साइड में रखी है ये 861 DW रखी है, और ये मेरे जो राइट साइड में रखी है ये 881D रखी है। तो दोनों को अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से। चलिए पहले मैं 861 को अनबॉक्स कर लेता हूँ। अनबॉक्स करने के टाइम पे जैसे कि आप देख रहे हैं सबके साथ एक कैटलॉग निकलती है, तो उस कैटलॉग की तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं, उसको एक साइड रख देते हैं। और पैकिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त पैकिंग आती है, हैंडल इसका कुछ इस टाइप का होता है। चलिए हैंडल का भी वो हटा देते हैं। उसके बाद एक निकलती है हमारे पास ये SMD इस तरह की, और इसके साथ SMD के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं एक हमारे पास बेस निकला है इसका, जो जिस पे कि ये हैंडल रहने वाला है इस तरह से। और ऐसे ही जैसे कि आप देख रहे हैं एक बॉक्स और है इसके अंदर। इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, इसके अंदर हमें मिलेंगी नोजल, और एक जैसे कि ये केबल और देख रहे हैं इसके अंदर। ये क्या केबल क्या काम करती है, जैसे कभी कभी हमारी SMD वगैरह में अर्थिंग वगैरह आती है तो ये अर्थिंग से इसको दूर रखती है। तो जैसे कि आपने देखा ये तो मैंने कर दी इसको फटाफट से, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। चलिए अब बात आई है इसकी कि इसके अंदर क्या निकलती है, 881 के अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो चलिए इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। जैसे ही देख रहे हैं इसमें अनबॉक्स करा है मैंने, तो इसके साथ एक पंपलेट्स मिली है, पंपलेट्स ये इस टाइप की, और एक इसके साथ भी हमें कैटलॉग मिली है। चलिए इसको भी एक साइड रख देते हैं। और अगर पैकिंग की बात है तो लगभग पैकिंग दोनों के अंदर सेम है। मैं आपको छोटी से छोटी डिटेल भी बताऊंगा कि इसमें फर्क है तो है किस चीज़ का। तो इस SMD को मैंने निकाला और इसको फटाफट से मैंने इधर रख दिया, और इधर रखने के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं इसके साथ भी हमें हैंडल रखने के लिए स्टैंड मिलता है, और जैसे कि आप देख रहे हैं इसके साथ भी एक अर्थिंग वायर मिलती है, और जैसे कि आप देख रहे हैं इसके साथ भी हमें नोजल का एक पैकेट मिलता है बॉक्स छोटा सा। तो इस बॉक्स पूरा का पूरा खाली हो चुका है। चलिए इस बॉक्स को भी साइड रख देते हैं। सबसे पहले तो अगर इन दोनों में बात करें तो सबसे पहले आपको कलर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये जो कलर है ये हमारा ग्रे कलर है, थोड़ा सा लाइट कलर स्लेटी जैसा, और ये जो हमारा कलर है ये डार्क ग्रे कलर है। जैसे कि आपको ब्लैक दिख रहा होगा कैमरे में, मगर ये डार्क ग्रे कलर है।
तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा इसके अंदर, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर ब्रांडिंग का फर्क है। इसके अंदर 881 लिखा हुआ है, इसके अंदर 861 DW लिखा हुआ है। और अगर देखने वाली बात है तो स्विचेस वगैरह की क्वालिटी सेम है बिल्कुल, और पुश मैच कर रहा हूँ तो फील भी सेम हो रहा है बिल्कुल। और स्विच की अगर बात करें तो स्विच भी सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। चलिए अब इनकी बात कर लेते हैं, इसके अंदर आखिर इन्होंने क्या यूज़ किया है, इसके अंदर क्या यूज़ है। तो चलिए मैं इसको भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन से पहले जो आप इसका बेस देख रहे हैं, बेस इसका मेटल का दिया गया है। जैसे कि हर बारी मैं आपको बेस दिखाता हूँ, मेटल का बेस होता है। इस बेस जो देख रहे हैं वो भी मेटल का दिया गया है। और अगर हैंडल वाली बात है तो मैं आपको हैंडल का जो डिफरेंस है, मैं आपको वो हैंडल का डिफरेंस चेक कराता हूँ। हैंडल आपको नजर आ रहा होगा, दोनों में काफी फर्क है हैंडल के अंदर। ये देखिए दोनों के हैंडल में काफी फर्क है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपकी समझ में आएगा तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो हैंडल की अगर बात है तो मैं अगर आपको हैंडल दिखाऊं तो आप इसका हैंडल पे नोटिस कीजिए, ये जो हमारा हैंडल है ये 861 DW का है, और ये जो हमारा हैंडल है वो 881 का है, 881 D का है। इस हैंडल और इसके अंदर क्या फर्क है, ये बात एक समझने वाली है। आप अगर समझ सकते हैं तो प्लीज उसको समझना। इसकी जो एयर आती है वो डायरेक्ट एयर आती है, सीधी, मतलब गोली, जैसे बंदूक से गोली निकलती है और सीधी वो लग जाती है जाके। इसकी जो एयर होती है इस टाइप की एयर होती है, और इसकी जो एयर है इसके अंदर एक जाली देख रहे होंगे, इसकी एयर आती है बिल्कुल घूमती हुई आती है एयर, जो कि हमारी आईसी के बीच में नहीं, वो चारों साइड से एयर पड़ती है, ऐसे घूम घूम के इसमें से एयर निकलती है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, और दूसरा डिफरेंस इसके अंदर जो आएगा वो क्या आने वाला है, वो क्वालिटी का आने वाला है। जैसे कि आप हैंडल की क्वालिटी देख रहे हैं, इसके अंदर देखो हैंडल किस टाइप का हैंडल दिया गया है और इसके अंदर किस टाइप का हैंडल दिया गया है। चलिए पहला डिफरेंस तो ये हो गया इसमें। इसके बाद चलिए नोजल की बात कर लेते हैं, क्या इसमें नोजल सेम आती है या फर्क होता है नोजल में। तो जैसे कि अगर मैंने नोजल इसकी ओपन करी है इस टाइप से, तो ऐसे ही मैं इसकी नोजल भी ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो नोजल है, मैं एक ऑन बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको, दोनों के साथ तीन तीन नोजल आने वाली हैं। और ये वाली जो हमारी एक नोजल है, ये नोजल के अंदर क्या फर्क है मैं आपको नोजल भी चेक करा रहा हूँ। ये देखिए नोजल के अंदर जो फर्क है वो ये फर्क है कि इसके जो आप नोजल देख रहे हैं इसका डिजाइन थोड़ा अलग है और इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है। ये देखिए इस टाइप का ये नोजल होने वाली है, और साइज आप देख ही रहे हैं कि इसके अंदर कितने बड़े छोटा सा पाइप लगाया हुआ है, और इसके अंदर छोटा सा जिसमें से एयर निकलेगी वो किस साइज का दिया गया है। चलिए इसको यहां रख लेते हैं। और इसके अंदर एक देख रहे होंगे, जैसे कि आपको एक चाबी भी दिख रही होगी, ये चाबी किस लिए दी गई है, चलिए इस चाबी का भी मैं आपको यूज बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस हैंडल के बीच में जो स्टैंड है, इसके बीच में आपको कोई पत्ती वगैरह नजर नहीं आ रही, यहाँ पर दो स्क्रू करने के लिए होल दिए गए, मतलब स्क्रू लगाने के लिए होल दिए गए। और ऐसे ही जो हमारा पहले वाला जो आता है उसके अंदर यहाँ पर आपको एक पत्ती नजर आ रही होगी, जिसमें कि हम कोई भी नोजल है हमारी उसको हम यहाँ फंसा के इसको खींच लेते हैं, वो नोजल हमारी इजीली निकल जाती है। इसके अंदर वो चीज़ नहीं दी गई, तो इसके अंदर जो दी गई है वो ये चीज़ दी गई है, इसकी जो नोजल है हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इसकी जो नोजल है कुछ इस टाइप से लगाएंगे हम, इसको ऐसे लगा के अंदर किया, और अंदर करने के बाद इसके अंदर जो ये चाबी दी गई है, इस चाबी की मदद से हमें क्या करना होगा, इस नोजल को हल्का सा घुमा देना होगा। ये रहा इसके अंदर ये यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, ये चाबी यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, और फिक्स होने के बाद इसको हम क्या करना होगा, इसको ऐसे करके इजीली घुमा देना है। तो इससे क्या होगा, हमारी नोजल एकदम फिट हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये चाबी के साथ साथ ये नोजल घूम भी रही है, और अगर हाथ से भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसको हाथ से भी घुमा सकते हैं। ये तो इसमें नोजल का फर्क हो गया, इसलिए इसके बेस के अंदर यहाँ पर एक पत्ती लगाकर नहीं दी गई। मैंने आपको ये फर्क तो दिखाया। इस फर्क के अलावा आखिर आप सोच रहे होंगे यार इसके अंदर अंदर दोनों में क्या फर्क है, चलिए मैं आपको वही चेक कराता हूँ कि इसमें अंदर दोनों में क्या फर्क है।
तो फाइनली गाइस मैं आपको अंदर का जो मटेरियल इसके अंदर लगाया हुआ है, मदरबोर्ड लगाया हुआ है, पंप लगाया हुआ है, मैं पहले आपको वो नोटिस कराता हूँ। ये जो हमारा पंप है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं छोटा सा पंप जो हमारी पहले वाले 861 DW में आता था, वो पंप इसके अंदर लगाया हुआ है। इसकी मोटर में आप देख रहे हैं कितना छोटी है, काफी फर्क आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं कितना बड़ा पंप आपको मिलने वाला है लेटेस्ट वाले के अंदर, 881D में कितना बड़ा लेटेस्ट पंप मिलने वाला है। और इसकी जो मोटर देख रहे हैं आप, काफी मोटर काफी बड़े साइज की दी गई है। और जो तार और जो हमारी वायर है, वायर की क्वालिटी भी अगर देखें तो इस वाली से इसकी ज्यादा मोटी दी गई है। अब मैं आपको मेनली फर्क बताता हूँ कि इसके अंदर फर्क आता है तो आता क्या है। जैसे काफी भाई होते हैं हमारे जो के काफी जगह हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आती, कहीं पे आपको 5 वोल्ट ज्यादा मिलती होगी या कहीं पर 10 वोल्ट कम मिलती होगी, इस टाइप से रहती है। तो इसके अंदर जो ये है हमारी, ये SMPS के अंदर बनी हुई है हमारी पहले वाली, जिसमें कि अगर पीछे से लाइट कम आए तो ये ऑलरेडी SMD को लाइट कम देती है, तो उससे हमारे टेम्परेचर में फर्क आ जाता है। और ये वाली जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देख रहे हैं आप, ये बनी हुई है SMPS के अंदर, इसको इस टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 200 वोल्टेज पे इसको चला रहे हैं तो भी ये प्रॉपर वही वो मतलब एयर और हीट रखेगी जो कि हमारा होना चाहिए। और अगर इसको आप 200 वोल्ट पे चला रहे हैं तो इसके अंदर हीटिंग भी और एयर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर से चल रही है। तो उसी तरह से अगर फ्रंट बोर्ड की बात है, जो कि यहां पर बोर्ड यूज किया गया है, तो वो जैसे मैं देख पा रहा हूं वो बिल्कुल सेम बोर्ड इन्होंने यूज किया है। इसके अंदर भी कोई फर्क नहीं है और इसके अंदर भी कोई फर्क नहीं है। पूरा का पूरा डिजाइन मुझे दिख रहा है एक जैसा डिजाइन दिख रहा है। और जहां तक की IC की अगर बात है तो इन्होंने IC तक भी इन्होंने सेम यूज करी है। तो IC के बाद जो बाहर इसका जो इस हैंडल में जो पाइप लगता है और वो निकलता है, तो वो भी तकरीबन वो भी पूरा का पूरा सेम इसके अंदर दिख रहा है। इसके अलावा अगर इन्होंने फर्क किया है तो क्या किया है, जैसे कि ये यहां पर बॉक्स लगा हुआ है ट्रांसफार्मर जैसा, ये जैसे कि बॉक्स लगाए हुए, इन्होंने यहां पर उसको खत्म कर दिया। वो क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा SMPS दे दिया। SMPS क्या होता है, जिससे कि हमारी LED वगैरह जो हमारे घर में यूज करते हैं, LCD वगैरह, उसके अंदर वो भी SMPS पे चलती है। तो इसी तरह से ये भी SMPS पे चलती है। अगर आप इसको 200 पे चलाएंगे तो भी सेम काम करेगी, 180 पे चलाएंगे तो भी सेम काम करेगी, 220 पे चलाएंगे तो भी सेम काम करेगी। इसके अलावा और दोनों में फर्क है तो है क्या, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने आज आपको दोनों SMD ओपन करके दिखाई, इसमें फर्क आएगा क्या। तो फर्क मैंने मार्केट से पूछा था, तो इसमें तकरीबन 1000 से 1500 रुपए के बीच में इसमें फर्क है दोनों के अंदर। बाकी अगर आप SMD परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो 861DW नो डाउट बहुत अच्छी SMD है। बाकी आप क्विक ने उसके ऊपर का अपग्रेड वर्जन निकाल दिया है, तो जब आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आप अगर ये खरीदेंगे 881D अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जबरदस्त SMD निकली है, नो डाउट बहुत अच्छी है। ये SMD भी अपनी चुनौतियों पर खरी उतरती है। बाकी उसके ऊपर भी क्विक ने अपग्रेड कर दिया कि हमारी जो SMD उनकी जब इतनी बढ़िया ये चलती है, तो आप सोच सकते हैं उनकी 881D पे क्या लगा होगा। पंप भी चेंज कर दिया, मदरबोर्ड का साइज बहुत बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के साथ साथ चलिए मैं इस दोनों का टेम्परेचर आपको चेक करा देता हूं। तो फाइनली गाइस, मैंने दोनों के अंदर टेम्परेचर सेट किया है, 200 डिग्री तक सेट किया है दोनों के अंदर टेम्परेचर। देख लेते हैं किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड कम है, स्पीड टेस्ट भी हो जाएगा इसी बहाने से। मैंने अंदर से तो आपको ओपन करके दिखाया है। अब ये दोनों के हैंडल में एक साथ उठाऊंगा और यहां पर आपको जैसे डिजिट है वो दिखने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। आप खुद देख सकते हैं कि किसका टेम्परेचर ज्यादा और किसका कम है। तो चलिए मैं दोनों को उठाता हूं, और दोनों को एक साथ उठाने के बाद कौन सी हमारी 200 डिग्री पे पहले चली जाएगी वो आप देख लेना। 1, 2, 3, ये देखिए दोनों को मैंने एक साथ उठाया, और ये आप स्पीड टेस्ट देख ही रहे हमारी, ये वाली तो पहुंच चुकी है हमारी, ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये 200 पे पहुंच चुकी है। और अब यही टेस्ट हम देखने वाले हैं कि इनको इस कौन सी पहले अपने आप को जल्दी से ठंडा करके पावर सेविंग मोड पे पहुंच जाएगी। ये देखिए ये हमारी पावर सेविंग मोड पे पहुंच भी गई, और ये अभी तक हमारी पावर सेविंग मोड पे नहीं पहुंची, ये अब पहुंची है उससे कुछ सेकंड बाद। तो चलिए एक बार टेस्ट फिर दोबारा से कर लेते हैं। मैं दोनों का एक साथ हैंडल ऊपर उठाता हूं इनका, और दोनों को स्पीड टेस्ट करते हैं कि कौन सी कितने समय में ये पहुंचने वाली है। तो चलिए मैं भी इधर ऐसे देख लेता हूं, और देखने के बाद 1, 2, 3 दोनों में मैंने 200 सेट किया हुआ है, और ये देखिए ये वाली हमारी पहुंच चुकी है 200, और ये थोड़ा सा पहुंचने में टाइम लगा रही है, मतलब देखो 200 जा रही है, 200 से कम जा रही है। चलिए अब इनका जो टेस्ट है वो करने वाले हैं हम 300 पर।
अब आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने दोनों को सेट कर लिया है। और कितने पे सेट कर लिया है दोनों को? 300 पे मैंने इनको सेट कर लिया है। और 300 पे सेट करने के बाद अभी दोनों स्लिप मोड में। अब मैं इन दोनों को जैसे ही उठाऊंगा, देखते हैं कौन सी हमारी SMD पहले 300 डिग्री टेम्परेचर पे चली जाएगी। तो चलिए 1 2 3, ये हमारी 300 पे पहुंच चुकी है। ये थोड़ा सा अभी टाइम लगा रही है, ये देखिए। और अगर इन दोनों को रख लेते हैं तो कौन सी हमारी स्पीड से जल्दी से पावर सेविंग मोड पे जाती है देख लीजिए। ये हमारी पावर सेविंग मोड पे चली गई है। और ये फिर ये कुछ सेकंड बाद पावर सेविंग मोड पे चली जाती है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने आज आपको दोनों SMD ओपन करके दिखाई, स्पीड टेस्ट करके दिखाया, और 861 DW का क्या कंडीशन है, कितनी स्पीड से ये हीट होती है, कितनी स्पीड से अपने आपको मतलब पावर सेव मोड पे ले जाती है। और ऐसे ही मैंने 881D को भी आपको चेक कराया, अंदर जो इसके अंदर पंप लगे हुए कितने छोटे बड़े साइज के लगे हुए मैंने आपको वो भी चेक कराए। और उसके ये जो हमारी 881 है ये बनी है हमारी SMPS के अंदर, और ये जो हमारी 861 है ये बनी है हमारी ट्रांसफार्मर के अंदर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।